At me gate M E P I X C. -E. This is your educator, approve and you are watching lectures of engineering mechanics. This is lecture number 13, and today we are going to discuss belt friction a very, very important part of the chapter of friction belt friction. Yes, this is the second chapter of statics friction, and we started application of friction. We are now discussing different topics related to friction so yesterday we discussed about ladder friction and today we are going to discuss about belt friction we are going to see the theory behind belt friction and we are also going to solve some really interesting and important problems related to belt friction so i welcome everyone welcome apesh gaurav dhruv full metal zero punith jagannath welcome everyone now, if you are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aproop Rao, All India Rank 320 in Gate Mechanical MTech from IIT Kharakpur, and my specialization is mechanical systems design. In my final year of MTech, I was recruited by Mahindra, and Mahindra, I was placed at Mahindra Research Valley. And I worked in the field of design of cars. I was a part of some really interesting projects like KUV and TUV. After two years, I decided to quit my job and I started teaching. So I've been teaching for more than six years now and I teach subjects related to design SOM, MD, EM, and TOM. If you want to see free lectures of my subjects and download the notes of those subjects, then you just need to open this one link, tinyurl.com/Approved10. Open any web browser and type this tinyurl.com/Approved10. Enter, and you are going to open this page. You are going to see these folders of eBooks, and you will also find these Excel sheets. What are these Excel sheets? लिंक ऑफ ऑल माई क्लासेस एंड द लिंक्स ऑफ नोट्स ऑफ दोस इन एक्सेल शीट में आपको मेरी सारी क्लासेस की लिंक और उनके नोट की लिंक मिल जाएगी बेटा वन बाय वन कंप्लीटली ऑर्गेनाइज तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है बस ये एक लिंक ओपन कर लो जैसे आप फेसबुक या यूट्यूब खोलते हो जस्ट लाइक फेसबुक डॉट कॉम और यूट्यूब डॉट कॉम

एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी विथ अस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इन अ स्ट्रक्चर कोर्स अगर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में एक बैच कोर्स में पढ़ना है देन ज्वाइन अन अकेडमी प्लस टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट ऑन टाइम क्लासेस यू आर गोइंग टू गेट डेली असाइनमेंट्स वीकली क्विजेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक डाउट क्लियरिंग सेशन पर्सनल गाइडेंस नोट्स आफ्टर एवरी क्लास वट एवर यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन एवरी थिंग विल बी अवेलेबल हियर यू हैव टू गो नो वेर एल्स आपको कुछ भी और खरीदने की या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू ज्वाइन अस ऑन अन अकेडमी प्लस एंड यूज दिस कोड अप्रूव टेन इन ऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ इन योर सब्सक्रिप्शन अगर आप ये कोड यूज करेंगे आपको दस परसेंट ऑफ मिलेगा ही मिलेगा साथ में यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अंडर माई पर्सनल गाइडेंस टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस कोड अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए बस ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लो मैं समझ जाऊंगा दैट यू नीड माई गाइडेंस एंड आई विल प्रोवाइड यू माई गाइडेंस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मैं पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको गाइड करूंगा वेलकम एवरी वन वेलकम ऑन बोर्ड नाउ वेयर वर वी

कौन कौन से एप्लीकेशन में पिक्चर में आता है सो वेर एवर बेटा देर इज अ पुली पे भी कुछ इस तरीके की आपको पुली दिखती है वहां पे बेल्ट फ्रिक्शन पिक्चर में आता है इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव लेट्स से टू शाफ्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन ऑफ बेल्ट देन आल्सो बेल्ट फ्रिक्शन कम्स इन टू पिक्चर देन बैंड ब्रेक्स केस ऑफ बैंड ब्रेक्स ऑल्सो बेल्ट फ्रिक्शन कम्स इन टू पिक्चर सो इन ऑल दीज केसेस देर इज अ फ्लेक्सिबल बी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्रिक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन द बैंड एंड द पुली इन सारे केसेस में एक फ्लेक्सीबल बैंड होता है और एक पुलिस होती है बैंड और पुलिस के बीच में फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है उसका एनालिसिस कैसे करना है हमको ये समझना है। आई वेलकम एवरी बटन एंड प्लीज शेयर द लिंक विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सको इस लिंक को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और सबसे पहले तो सबके सब एक लाइक like बटन दबा दो और अपनी हाजिरी दे दो गिव मी योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट ओके सो लेट्स से वी हैव अ पुली लाइक दिस एंड देर इज अ फ्लेक्सीबल बेल्ट रैब्ड ऑन दिस पुली ठीक है इस पुली के ऊपर मान लो एक फ्लेक्सिबल बेल्ट है कुछ इस तरीके से ओके सो इट इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज द सेंटर ऑफ द पुली द एंगल सब्टेंडेड बाय दिस कॉन्टैक्ट इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो थीटा है इस थीटा को हम क्या बोलते हैं दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ यानी कि कितने एंगल में बेल्ट पुली के साथ कॉन्टैक्ट में है ओके नाउ अंडरस्टैंड लेट्स से देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली और लेट्स से The belt is trying to move over this pulley. Okay. Man lo, belt ko the belt and belt is trying to move over this pulley. So, there will be friction between the belt and the pulley. Now, before this chapter, whenever we had a problem based on pulley, we assumed that the pulley is frictionless. And if the pulley is frictionless, means there is no friction. बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली देन द टेंशन ऑन बोथ द एंड इक्वल मीन इफ दिस इज टी दिस ऑल्सो बी इक्वल टू टी यानी अगर बेल्ट और पुलिस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों साइड टेंशन विल भी इक्वल इफ दिस इज टी दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू टी ठीक है but practically it is not possible practically we can't produce a frictionless pulley there will be some amount of friction okay no matter how much less but there will be some amount of friction and if there is friction then the tension on both sides will be different now on one side there will be maximum tension and on other side there will be minimum tension and the tension will be

मिनिमम टेंशन इन बेल्ट ओके दिस इज जस्ट आर इट कैन बी हेयर टी वन कैन बीयर टी टू कैन बीयर ना इफ यू आर थिंकिंग हाउ वी आर गोइंगी वन गेट टी टूट लेटर ठीक है अगर आप ये सोच रहे हो कि टी वन किधर होगा टी टू किधर होगा तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे ओके दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर बट लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स इमेजिन दैट दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू ओके ना अंडरस्टैंड बिटा Let's draw the free body diagram of this belt and pulley. Man hum belt or pulley ko alak karke dono ka free body diagram draw kar. Rahen, okay. So let's say this is your pulley, and let's say this is the belt. Okay, we have isolated both belt and pulley, and now we are drawing the free body diagram of both. Okay. So understand. This is tension T1. This is tension T2. Okay. Now this, <coughs> this belt and the pulley are in contact from this point to this point. Okay. Let's say from this point to this point. From this point to this point. Okay.

Will not be uniformly distributed from one point to another point. Why? Because this contact angle is huge. So, what is going to happen? The normal force is going to be maximum at the center. The normal force is going to be maximum at the center and minimum at the corners, right? Minimum at the corners, okay. एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस इट विल भी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस ये जो नॉर्मल फोर्स है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट समथिंग लाइक दिस समथिंग लाइक दिस डू यू अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली हैव आई ड्रॉन मैंने क्या ड्रॉ किया है यह क्लियर है वट हैव आई ड्रॉन एक्सैक्टली दिस इज दॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बेल्ट एंड द पुलिस बेल्ट और पुलिस के बीच का नॉर्मल फोर्स है ओके इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अन अदर पॉइंट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज एक्चुअली मैक्सिमम एट द सेंटर मिनिमम एट द कॉर्नर ओके ना बेटा देर विल बी फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो बिटवीन द बेल्ट एंड पुलिस वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स अंडरस्टैंड वी आर अज्यूमिंग मैक्सिमम टेंशन इज ऑन दिस साइड मिनिमम टेंशन इज ऑन दिस साइड सो इट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स विल बी टुवर्ड्स दैट साइड राइट अगर आप मैक्सिमम टेंशन लेफ्ट साइड और मिनिमम टेंशन राइट साइड अज्यूम कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए

अभी अगर मैं वो इक्वेशन लगाऊं लेफ्ट साइड का फोर्स ज्यादा राइट साइड का फोर्स कम तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स शुड बी राइट साइड ना देन ओनली फोर्सेस विल बी बैलेंस ओके दैट इज नॉट द रीजन व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज टूवर्ड्स राइट बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सो दैट यू विल अंडरस्टैंड डायरेक्शन ओके द रीजन बिहाइंड इट दैट वी विल सी लेटर ओके सो बेटा फ्रिक्शन फोर्स विल बी समिंग लाइक दिस अब मैं फ्रिक्शन फोर्स को दूसरे कलर से ले लेता हूं सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी समिंग लाइक दिस इट विल बी लाइक दिस ऑन द बेल्ट सो ऑन द पुली इट विल बी ऑपोजिट समथिंग लाइक दिस ओके सो डू यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स between the belt and the pulley now you can understand that right now i can't find a relation between t1 and t2 why because i don't know how this is distributed right i can't apply equilibrium equations on this body we can't consider this entire belt in order to find relation between t1 and t2 you might be thinking why do we need relation between t1 and t2 understand when the pulley is frictionless we consider the tension on both sides are equal okay but when the pulley is not frictionless then the tension on both sides are different so if I know one of these values if I know the value of t2 I should be able to find t1 or if I know the value of t1 I should be able to find t2 right अगर मुझे एक टेंशन मिल जाए तो दूसरी टेंशन निकालना आना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए वट डू वी नीड फॉर दैट इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड अ रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू सो आर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज टू फाइंड टी वन रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू ओके सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बट कैन वी अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन on this figure right now kya aap laga nahi laga okay so what we are going to do first of all what is the problem why can't we apply that because the normal force is not uniformly distributed it is maximum here minimum here and i don't know how it is distributed okay so we can't apply the equilibrium equation on this entire body so what we are going to do ंग टू कंसिडर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बेल्ट मैं क्या करने वाला हूं मैं इस बेल्ट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा काट के अलग करने वाला हूं वेरी स्मॉल पीस ओके आई एम गोइंग टू कट अ वेरी 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 स्मॉल पीस ओके बट बेटा वेन आई विल ड्रॉ दैट पीस आई विल एनलार्ज द पिक्चर अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंगल्स एंड ऑल ओके जब मैं इसके जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा व्हेन आई विल कट अ वेरी स्मॉल पीस एंड व्हेन आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम आई विल एनलार्ज द बॉडी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग व्हाट इज द एंगल एंड ऑल सो दिस इज दैट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बेल्ट डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है मेरे भाई मैंने एक बहुत ही छोटा सा पीस काट के अलग कर लिया है ओके आई हैव कट अ वेरी स्मॉल पीस ओके नाउ लेट्स इमेजिन लेट्स इमेजिन दैट द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वेरी स्मॉल पीस इज वेरी स्मॉल इट इज इक्वल टू डी थीटा सो व्हाट विल बी दिस एंगल दिस एंगल विल बी डी थीटा बाय टू and this angle will also be d theta by 2 right now this tension and this tension what should what will be this tension let's imagine this tension is t this is the minimum tension right side tension is minimum tension let's imagine this tension is maximum so i will call it t plus dt okay because tension will change by very small magnitude. It's a very small belt. So, tension will change by a very small magnitude dt. So, let's say if it is t, it will be t plus dt. Okay, t plus dt. Yes, Ravi Soni, I live in Indore. Okay. Now, there will be a normal force. Now, understand. In this entire angle of contact, normal force is distributed like this. बट इफ आई कंसिडर अ वेरी वेरी स्मॉल पीस कैन आई अज्यूम द नॉर्मल फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैं एक बहुत ही छोटा बेल्ट का पीस कंसिडर कर रहा हूं तो क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यस आई कैन इमेजिन दैट सो इफ द नॉर्मल फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिस्टर टू हिस्टर Can I convert the entire normal force into one single normal force? Yes, I can do that. Are I told you now if the normal forces are uniformly distributed like this, I don't have to consider the normal force at every point. I will convert into one single resultant. Why can't we do that here? Because here it is not uniformly distributed, but we can do that here because it is a very small piece. So, I can assume the normal force is uniformly distributed. So, I will convert it into one single normal force. Let us say that one single normal force is dn, okay, and there will be one single friction force also. Here, I was considering.

so I hope this free body diagram is clear to everyone I hope कि बाक़ सबको ये free body diagram clear हो गया होगा I have drawn free body diagram of a very small piece okay मैंने बहुत ही छोटा सा हिस्सा काट के अलग किया है, but I am I am enlarging the picture ठीक है मैं बस थोड़ा सा enlarge कर रहा हूँ picture को okay now understand in order to find relation between these two can i apply equilibrium equations yes i can apply equilibrium equation so what we are going to do is we are going to apply summation of fx equals to 0 summation of fy equals to 0 so for that i will resolve this tension and this tension okay sorry i will resolve this tension and this tension

ये वाला सरफेस जो है डी थीटा बाई टू बना रहा है वर्टिकल के साथ सो द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस विल मेक वी थीटा बाई टू विजल इफ अ अस इज मेकिंग एन एंगल विथ वर्टिकल द नॉर्मल ऑफ दैट दर्फेस विल मेक द सेम एंगल विथ हॉरिजोंटल राइट सो इफ दिस इज डी थीटा बाई टू दिस विल बी डी थीटा बाई टू आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ apply the equilibrium equation. So, first what I am going to apply? First I am going to apply summation of Fy equals to 0. Now you must be thinking why? You will understand. Now you will understand. Okay. So, if you apply summation of Fy equals to 0, what you are going to get? dn equals to dn equals to this is the upward force equals to Vertical component of this plus vertical component of this. Vertical component of this will be how much? T sine d theta by 2. Vertical component of this will be how much? T plus dt sine d theta by 2. Now, can I write it dn equals to T sine d theta by 2? Plus t sin d theta by 2 plus dt sin d theta by 2. Yes, I can convert it like this. Now, if d theta is very small, can I assume sin d theta by 2 is almost equal to d theta by 2? अंडरस्टैंड बेटा अगर एंगल बहुत छोटा होता है इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन बट बेटा वेन यू इक्वेट साइन थीटा विद थीटा दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज ओके इट शुड बी इन रेडियंस ओके सो बेटा कैन आई राइट दिस इक्वेशन dn equals to t d theta by 2 plus t d theta by 2 plus dn d theta by 2. Yes, I can write it. Now, this part is negligibly small. Why? Because dn is also very small. d theta is also very small. And when you multiply two very small quantities, they become negligible. For example, 0.1 multiplied by 0.2, what do you get? 0 0.02. So, 0 0.1 and 0.2 are very small. But if you multiply them, they become negligible. 0 0.02. So, very small into very small, very, very, very small, negligible. And you can add these two so what you are going to get what you are going to get you are going to get d n equals to t d theta yes so this is one relation between d n and d theta we are going to use this relation why because when you apply summation of f x equals to 0 you will need d n this is mu dn so you will need dn okay now apply summation of fx equals to zero so if you apply summation of fx equals to zero what you are going to get total right side force will be equals to total left side force so what is the total right side force t cos d theta by 2 plus क्वल्स टू टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई टू बेटा अंडरस्टैंड दिस एंटायर डेरिवेशन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्किप दिस डेरिवेशन बट दिस डेरिवेशन इज यूजफुल हियर आल्सो इन मशीन डिजाइन आल्सो सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर ठीक है इसको मैं यहां पे ही समझा दे रहा हूं ठीक है नाउ अंडरस्टैंड बेटा This will become T cos d theta by 2 plus mu into dn is what? T d theta equals to sorry, this is also cos d theta by 2. So sorry, T cos d theta by 2 plus dt cos d theta by 2, right? Now understand beta. This go? T cos d theta by 2, t cos d theta by 2 is cancelled. Okay. Cos d theta by 2 will be almost equal to 1. Why? If theta is very small, sin theta is almost equal to theta but cos theta is almost equal to 1 okay now understand if this is this is cancelled and this is d theta by 2 what you are sorry this will be 1 so what you are going to get mu into t d theta equals to dt you are getting this now can i write it t upon dt sorry can I write it dt upon t equals to mu d theta? Yes, I can write it dt by t equals to mu d theta. Now, integrate this, integrate this, integrate this equation. What will be the limit of tension? Tension is varying from what to what? Maximum tension is t1, minimum tension is t2. सो मिनिमम टू मैक्सिमम इट विल वेरी फ्रॉम टी टू टू टी वन है कि नहीं टेंशन की लिमिट क्या है मैक्सिमम टेंशन टी वन मिनिमम टेंशन टी टू एंड वॉट इज द लिमिट ऑफ थीटा सो कैन आई से द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल वैरी फ्रॉम जीरो टू थीटा यस एंगल के लिए ये हो जाएगा जीरो टू थीटा नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर आई एम गोइंग टू गेट नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1, integrate this, you are going to get it. Equals to, here you are going to get mu theta. Now, can you write it like this? T2 by T1 equals to e to the power mu theta. Yes. Now, do you remember this equation? You might have used this equation, but now you understand. From where it is coming, right? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, right? T2 by T1 equals to e to the power mu d theta. So अब आपको समझ में आया, from where it is coming, T2 by T1 equals to e to the power mu d theta, right? mu theta, right? So this is the relation between the maximum tension and the minimum tension. अब आपको एक relation मिल गया है between maximum tension and minimum tension. Yes? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो तो बेटा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नाउट यू है रिलेशन बिटवीन टी टू एंड टी वन वे वैल्यू सॉरी यह उल्टा हो गया सो सॉरी यह उल्टा हो गया सो सॉरी यह उल्टा हो गया दिस मस्ट बी टी वन बाई टी टू सो सॉरी टी वन बाई टी टू 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 ओके So my by T1 by T2 equals to E to the power mu theta. So now we have a relation between maximum and minimum tension. So whenever we have any one value, if we have the value of T1, you can calculate the value of T2, and if you have the value of T2, you can easily calculate the value of T1. Okay. So whenever you will be solving engineering mechanics problem, you will get one of these values, and then you will apply this equation. टू फाइंड द अदर वन ठीक है आप पहले t1 और t2 में से कोई एक वैल्यू निकालोगे फिर उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकालोगे नाउ अंडरस्टैंड दिस रेशियो डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स इट डिपेंड्स अपॉन म्यू इट डिपेंड्स अपॉन थीटा इफ म्यू इज लार्ज मीन्स इफ कोफिश ऑफ फ्रिक्शन इज लार्ज देन दिस रेशियो विल बी लार्ज मीन्स देर विल बी अफरेंस बिटवीन टी वन एंड टी टू

सो बेटा नाव यू हैव अ रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू बट द क्वेश्चन इज इन एनी प्रॉब्लम हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड विच वन विल बी टी वन एंड विच वन विल बी टी टू किसी भी प्रॉब्लम में ये कैसे पता चलेगा कि टी वन कौन सा है और टी टू कौन सा है ठीक है तो इसको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ओके इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू

Belt drive. Okay, we have a belt drive. What is belt drive? Belt drive is a power transmission device which we use to transfer power from one shaft to another shaft. So, let us say we have two shafts. So, first we put two pulleys on those two shafts and then we connect the pulleys using the belt. Okay. अब मेरे भाई ध्यान से समझना ओके लेट्स से दीज पुलिस आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज इफ दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग क्लॉकवाइज नाउ वन ऑफ दीज पुलिस विल बी अ ड्राइविंग पुली एंड अनदर वन विल बी अ ड्रिवन पुली हा कि ना इनमें से एक पुली ड्राइविंग पुली होगी और दूसरी पुली ड्रिवन पुली होगी राइट right? इनमें से एक पुली ड्राइविंग पुली होगी और दूसरी ड्रिवन होगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओके दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन ऑफ दिस पुली इज ड्राइविंग एंड अनदर वन इज ड्रिवन नाउ विच वन विल बी ड्राइविंग विच वन विल बी ड्रिवन दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन लेट मी अज्यूम दैट दिस इज ड्राइविंग मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूं लेट मी अज्यूम दैट नहीं चलो यार इसको ड्राइविंग ले लेते हैं लेट मी अज्यूम दिस इज ड्राइविंग एंड दिस इज ड्रिवन अब यह समझना बहुत जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग पुली एंड ड्रिवन पुली अंडरस्टैंड द डिफरेंस ड्राइविंग पुली मीन्स This pulley is taking power from the external source. This pulley is driven by an external source. For example, engine. So, this pulley is connected to the engine. So, it is driving by the. Sorry, it is driven by the engine. Okay. Is pulley go kon Who is rotating this pulley? The engine is rotating this pulley. But this pulley. इज रोटेटेड बाय दिस बेल्ट इज इट क्लियर इस पुलिस को कौन घुमा रहा है इज इट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल पावर इज इट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल पावर नो इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल पावर इट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट दिस पुलिस इज नॉट रोटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट इट इज रोटेटिंग रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पावर

डिस पुलिस इज ड्रिवन फ्रॉम एक्सटर्नल पावर डिस पुलिस इज ड्रिवन फ्रॉम दिस बेल्ट ओके नाउ लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम सो इनऑर्डर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम आई एम गोइंग टू कट दिस बेल्ट ओके मैं इस बेल्ट को कट कर देता हूं सो देर विल बी समेंशन हियर दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट हियर राइट यहां पर जो टेंशन आएगा वही इक्वल एंड ऑपोजिट यहां आएगा

the rest of the thing is just like any other problem okay when you will be solving problem of belt friction entire concept will be same as any other problem of equilibrium the only difference is this one this concept is very important to understand which one will be t1 and which one will be t2 now i will first explain from the concept of this driven pulley from the point of view of driven pulley देन यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्राइविंग पुलिस ठीक है अब मेरे भाई यहां ध्यान से समझो इफ बोथ ऑफ दीज टेंशन आर इक्वल अगर दोनों टेंशन इक्वल होगा विल दिस पुली बी एबल टू रोटेट नो इट विल नॉट बी एबल टू रोटेट वाय इट विल नॉट बी एबल टू रोटेट हु इज रोटेटिंग दिस पुली हु इज रोटेटिंग दिस पुली

ट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पुलिस ये पुलिस कैसे घूम रही है मेरे भाई हाउ इट इज रोटेटिंग इट इज रोटेटिंग क्लॉक वाइस इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज इफ इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज मीनस द क्लॉकवाइज टॉर्क ऑन दिस पुलिस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अंडरस्टैंड देर विल बी टॉर्क ड्यू टू दिस

मीन्स द क्लॉक वाइज टॉर्क शुड बी ग्रेटर मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होना चाहिए क्लॉकवाइज कौन लगा रहा है टोटल टॉर्क ऑन दिस विल बी हाउ मच टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर हा कि ना टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर राइट beta it is rotating clockwise so obviously this torque must be higher this torque must be less if this is higher then it will start rotating anti clockwise right so beta that's why this one will be t1 this one will be t2 now if this is t1 this one also be t1 this one also be t2 now understand beta you might be thinking okay sir i have understood

it means that in case of driven pulley you can apply this logic that if the pulley is rotating clockwise then this clockwise wala torque will be greater but in case of driving pulley you can't apply this logic the logic will become opposite so beta mark my words it is very important to know otherwise what is going to happen you are going to apply the same logic here also

T1 और T2 निकालने में क्या लॉजिक लगेगा यह जानने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो पुली ड्राइविंग है या ड्रिवन है ना बेटा इन द दॉब्लम ऑफ स्टैटिक्स यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट दिस पुली ओनली ड्रिवन पुली ओनली ओके बट इन सम केसेस यू माइट गेट ड्राइविंग पुली ऑल्सो ओके काइनेटिक्स के प्रॉब्लम में इट हैपन इन काइनेटिक्स प्रॉब्लम

to solve the problems okay so beta what you need to do is in every problem of belt friction you need to first figure out which one will be t1 which one will be t2 for that you will apply this logic okay if you have a driven pulley then if it is rotating clockwise means clockwise torque should be higher clockwise wala tension should be higher okay so beta you will always use this logic so first you will figure out which one is t1, which one is t2? Then the next thing you need to apply this equation. okay, First, what you do is find out any one value, t1 or t2. And then you apply this equation. Now whenever you are applying this equation, it is very, very very important to remember that this theta is in radian. Why? Because we assumed sine theta is almost equal to theta, and this relation is only valid if theta is in.

बी इन रेडियंस वेन एवर यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन थीटा मस्ट बी इन रेडियंस ओके हैं प्रॉब्लम्स में नहीं मेरे भाई पुनीत वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्स इन दिस क्लास ओनली हम सारे प्रॉब्लम इसी क्लास में करने वाले हैं, मेरे भाई सो लेट्स स्टार्ट विदर्स्ट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम जस्ट लाइक वी सॉल्व वैराइटीज ऑफ लैडर फ्रिक्शन प्रॉब्लम यस्टरडे सारे वेराइटी कर लिए थे वैसे आज भी सारी वेराइटी करके ही जाएंगे ओके अ इज़ यूज़ टू लिफ्ट उठाने के लिए यूजिंग अ पुली इन फिगर इफ द कोइंट थ्री नेसेसरी टू बिगिन लिफ्टिंग द लोड इज वट यू आर गोइंग टू अज्यूम जस्ट अबाउट टू रोटेट means limiting friction okay it is just about to rotate means limiting friction okay so understand beta here first you need to find out whether it is a driving pulley or a driven pulley driving pulley means it is connected to an external power driven pulley means it is rotating due to the belt so beta this pulley is it externally powered or is it rotating because of the belt क्या ये एक्सटर्नली पावर्ड है या बेल्ट की वजह से घूम रहा है इज इट ड्राइविंग पुली और ड्रिवन पुली क्या ये ड्राइविंग पुली के कॉन्सेप्ट से बनेगा या driven pulley के? द लाइव चैट प्लीज टेल मी राइट नाउ इन द लाइव चैट वेदर इट इज अ ड्राइविंग it और वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट विच वन विल बी T1 एंड विच वन विल टू T2. कौन सा होगा इट इज रोटेटिंग ड्यू टू बेल्ट एनी मोर आंसर्स कोई और बता दो यस वेरी गुड इट इज अड गौरव वेरी गुड हेमन इट इज अट सो बेटा इट मीन दिन ऑफ रोटेशन ऑफ पुलिस वी विल हैव मैक्सिमम टेंशन ओके वेरी गुड कार्तिकेयन वेरी गुड एनॉनिमस वेरी गुड अमोल वेरी गुड रुथ्राज वेरी गुड वेरी गुड चलो नाउ अंडरस्टैंड बेटा

तो मेरे भाई इफ इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइस विच वन हैज टू बी टी वन विच वन बी टी वन दिस वन और दिस वन एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है तो एंटी क्लॉक वाइज वाला मोमेंट ज्यादा होना चाहिए मतलब ये ज्यादा होना चाहिए राइट दिस हैज टू बी मैक्सिमम दिस हैज टू बी मैक्सिमम राइट सो बेटा कैन आई से This one is T1 and can I say by breaking this, this one is T2? Yes. Now, what will be T2 beta? What will be T2? T2 will be equals to what? 100 Newton. Yes, T2 will be equals to 100 Newton and T1 equals to P. Now, you know T2. You need T1. So, what you are going to do? You are going to use T1 by T2 equals to e to the power mu theta. Very simple. You know one of the values, you need the other one. So, just apply T1 by T2 equals to e to the power mu theta. Now, T1 is p and T2 is 100. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट व एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हियर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है यहां पर तो मेरे भाई यहां ध्यान से देखो इट इज इन कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट राइट फ्रॉम हियर टू हियर एक सेकेंड फ्रॉम हियर टू हियर द एंगल इज वन एटी डिग्री एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर द एंगल इज थर्टी डिग्री सो वट विंगल टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री राइट टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री बट इट इज इन डिग्रीज वी नीड इट इन रेडियंस तो मेरे भाई रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे वट वी आर गोइंग टू डू 210 multiplied by pi upon 180. Yes. So, beta, this is our formula. Now, we need to use our calculator to find this value and you are going to get the answer. So, tell me what is the answer. 100 into e to the power 0. 0.3 into 210. Pi by 180. So, I am getting 300.28 Newton. Very good, Hemant. Very good. 300.28 Newton. Are you getting this? Yes, I am getting this. Now, understand the answer logically. You need to lift this 100 Newton force.

लिफ्टिंग राइट right? जब आप लिफ्ट करा रहे हो गए इसको तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा तो अब मेरे भाई मुझे पहले से ज्यादा से कम लोड लगाना पड़ेगा नाव डू आई है लेस अमाउंट ऑफ लोड टू अपलाई मोर अमाउंट ऑफ लोड और लेस अमाउंट ऑफ लोड टेलमी ऑब्वियसली इफ द फ्रिक्शन इज अपोजिंग माई लिफ्टिंग नाव आई विल है ऑन दिस साइड दिल ऑब्वियसली बी मोर देन हंड्रेड सो इट विल बी थ्री हंड्रेड पॉइंट टू एट सो हंड्रेड न्यूटन टू लिफ्ट दिस एंड रेस्ट टू हंड्रेड पॉइंट टू एट न्यूटन इज टू ओवरकम द फ्रिक्शन हंड्रेड न्यूटन तो इसको लिफ्ट कराने के लिए लग रहा है और बाकी का टू हंड्रेड पॉइंट टू एट किस लिए लग रहा है बाकी का टू हंड्रेड पॉइंट टू एट लग रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ना यू माइट बी थिंकिंग नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट हाउ यू कैन रिड्यूस दिस हाउ यू कैन रिड्यूस दिस सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस यू कैन डू टू थिंग्स वन यू कैन रिड्यूस द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इट इज पॉइंट थ्री सो इफ यू लुब्रिकेट दिस पुलिस दैन द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस सो दिस effort required will now become less the second thing you can do is reduce the angle of contact and how you can reduce the angle of contact if you apply the same effort in this direction then your angle of contact will be only 90 degree yani pi by 2 radians so then your effort will become less so i hope everyone is clear right Apesh, Sayali, Nitish, Jagannath, Karthikeyan. Are you guys clear? Are you guys clear why we are getting this much amount of force in order to lift 100 Newton? You only need 100 Newton if it is frictionless. But due to this friction, you need to apply now more amount of force. Okay. So, this is the first question. I hope everyone is clear about the concept of T1 and T2. So, let's. Watch the next question. So, this is the next question. A 1000 Newton block is supported by a rope that is wrapped one and a half times around a horizontal rod. If the coefficient of static friction between the rope and the rod is 0 0.15, the range of values of P. ब्लॉक विल बी इन इक्विलीब्रियम इज ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली टू डिफरेंट क्वेश्चन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज टू कंडीशंस वट दे आर सेव अ ब्लॉक ऑफ थाउजेंड न्यूटन हि एंड We are keeping this block at rest by using this rope. We are supporting this block of 1000 Newton by using this rope. Now, this rope is wrapped around this shaft, and the wrap angle is how much? It is wrapped one and a half times. Now, I will explain the concept behind this later. Now, understand this thing. They are asking us to find the range of values of p. Range of values of p for which the block will be in equilibrium. So they are not asking us to find one value of p. They are asking us to find the range of values. Range means there must be two values. We have solved this range wala problem in angle of repose wala question. Do you remember the range of force? Which will keep this block in equilibrium, F maximum, F minimum, right? So, just like that, here also we need to find a maximum value of P and a minimum value of P. Now, understand the two situations. Let's say P maximum is 1000 Newton and P minimum is 200 Newton. So, what does it mean? मान लो मान लो पी मैक्सिमम आ रहा है थाउजेंड पी मिनिमम आ रहा है टू हंड्रेड तो इसका मतलब क्या है इसको ध्यान से समझो इफ पी मिनिमम इज टू हंड्रेड न्यूटन मींस इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस लोड मिनिमम यू हैव टू अप्लाई टू हंड्रेड न्यूटन इफ यू अप्लाई लेस देन टू हंड्रेड द ब्लॉक विल फॉल डाउन ये ब्लॉक जो है किधर गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा And P maximum is 1000 Newton. So, if you apply more than 1000 Newton, more than 1000 Newton, then the block will start moving up. But if your force is equal to these values or between these values, it will neither go down nor it will go up. So, I hope everyone is clear about this problem. एवरीवन इज क्लियर अबाउट दीस टू कंडीशंस हां कि ना अगर मिनिमम से कम लोड लगाओगे तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा और मैक्सिमम से ज्यादा लोड लगाओगे तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा ना तो मुझे इसे गिराना है और ना इसे उठाना है बस इसको सपोर्ट में देना सपोर्ट रखना है इसको बस अपनी जगह टंगा के रखना है ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू अज्यूम आई एम गोइंग टू अज्यूम टू कंडीशन इन वन कंडीशन आई विल अज्यूम ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो डाउन इन सेकेंड कंडीशन आई विल अज्यूम द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो अपड वेरी गुड वेरी गुड नाउ अंडरस्टैंड बेटा इन वन कंडीशन आई एम गोइंग टू अज्यूम द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो डाउन तो किस तरफ का टेंशन ज्यादा हो रहा होगा इफ द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू गो डाउन Which side tension will be more? किस का टेंशन ज्यादा होगा बेटा जिधर यह गिर रहा है उधर ही का टेंशन ज्यादा होगा ना इसीलिए तो गिर रहा है इसमें कोई एक्सटर्नल पावर तो लगा नहीं है वी हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल पावर इफ इट इज फॉलिंग डाउन इट इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू टेंशन ओनली सो बेटा if it is falling down means tension on other side will be maximum tension on this side will be minimum and if it is going up mean tension on this side will be maximum and this side will be minimum so what we are going to do in one case we will assume this is t1 this is t2 in one case we will assume this is t1 this is t2 but you need to understand both the cases okay because every time they will not give you both the cases ट मैटर इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंडल केस यू जस्ट बोध दू सॉल्व द प्रॉब्लम है ना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि गिरने पे कौन सा मैक्सिम टेंशन तो आप क्या करो एक बार इसको टीवन ले लो एक बार इसको टीवन ले लो बना दो बट बेटा हर बार ही ऐसा नहीं होगा ना हर बारी तो एक ही कंडीशन आएगी तो आपको पता आना चाहिए कि किधर गिरने पर कौन सा टेंशन ज्यादा हो रहा है ठीक है कि जिस तरफ गिरेगा उसका टेंशन ज्यादा बस सिंपल लॉजिक ओके सो बेटा इन वन केस आई विल अज्यूम दिस इज टी वन टी वन इज थाउजेंड न्यूटन एंड टी टू इज पी सो दिस गिव मी पी मिनिमम एंड इन वन केस आई विल अज्यूम टी वन इज पी एंड टी टू इज थाउजेंड सो हियर पी विल बी मैक्सिमम ठीक है तो अब बना लो मेरे भाई बना लो बना लो बना लो तो ये हो जाएगा मेरे भाई थाउजेंड अपॉन पी मिनिमम इज इक्वल टू ई टू दावर म्यू इज पॉइंट वन फाइव अब आते हैं थीटा पे सो रैप्ड वन एंड हाफ टाइम्स का मतलब क्या है तो so, मेरे भाई एक पूरी बार लपेट दोगे इफ यू रैप अ रोप वन टाइम कंप्लीटली मीन्स वॉट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थ्री सिक्सटी डिग्री या फिर पाई रेडियंस

तो यहां से P मिनिमम आ जाएगा और यहां इट विल बिकम P मैक्सिमम बाय थाउजेंड इक्वल्स टू ई टू दावर पॉइंट वन फाइव इन टू थ्री फाइव आई तो यहां से आ जाएगा P मैक्सिमम सो मी बोथ द वैल्यूज फोर वन वन पॉइंट टू एंड टू फोर्टी थ्री पॉइंट टू

ये होगा 243.2 और ये होगा आपका फोर ट्रिपल वन पॉइंट टू चलो यस अपेस इज ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर सिड इज ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर फोर ट्रिपल वन पॉइंट टू एंड टू फोर्टी थ्री पॉइंट टू ठीक है मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स तो इन दोनों के बराबर या इसके बीच में रखोगे पी को तो ये कहीं नहीं गिरेगा वहीं रहेगा और अगर इससे ज्यादा लगा दोगे तो ऊपर चढ़ जाएगा इससे कम लगाओगे तो नीचे गिर जाएगा वेरी गुड वेरी गुड सयाली वेरी गुड रुत्राज वेरी गुड गौरव चलो बहुत बढ़िया तो बेटा आई होप दैट दीज टू कंडीशन आर क्लियर टू एवरी वन राइट नेक्स्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रोप ए बी सी डी ज लूब्ड ओवर टू पाइप्स, ओके एक ही रोप को दो अलग अलग पाइप्स के ऊपर से लूप किया गया है ठीक है तो मेरे भाई ये दो पुली वाला प्रॉब्लम हो गया मजेदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना नोइंग दैट कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज पॉइंट टू फाइव डिटरमाइन बिटवीन द रोप एंड पाइप इसको काट दो ठीक है कट दिस, कट दिस स्ट वैल्यू ऑफ मास फॉर विच इक्विलीब्रियम इज पॉसिबल ओके तो मेरे भाई ध्यान से समझो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने बोल रहे जैसे यहां मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों निकालना था सो हियर दे आर आस्किंग स्मॉलेस्ट ओके तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है स्मॉलेस्ट का मतलब बेटा दिस इज द मिनिमम टेंशन साइड एंड दिस विल बी द मैक्सिमम टेंशन साइड ओके तो अब मेरे भाई करना क्या है टेंशन you राइट know right? ये वाला टेंशन अपने को पता है। इसको यहां से एक बार कट करो ठीक है और यहां से एक बार कट करो ठीक है तो मेरे भाई एक बार ये वाला टेंशन ले लेते हैं ठीक है एक बार ये वाला टेंशन ले लेते हैं इसको हम 50 केजी बोलेंगे अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में दिस विल आल्सो बी 50 के राइट सो इन दोनों के बीच में बिटवीन दिस टेंशन एंड दिस टेंशन बिच वन विल बी मैक्सिमम दिस वन विल बी मैक्सिमम सो दिस वन विल बी टी वन एंड दिस वन विल बी टी टू ठीक है सो फर्स्ट फाइंड आउट दिस टी टू यह वाला टी टू निकाल फाइंड आउट दिस टी टू सो टी वन

तो ये हो जाएगा आपका 50 बाई टी टू नाउ अंडरस्टैंड बेटा यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इन न्यूटन बिकॉज आपको यहां न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज बेटा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई हैल्टीप्लाई जी हियर एंड हियर बोथ विल बी कैंसल्ड ना सो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई जी हियर जस्ट फाइंड द वैल्यूज इन के जी ओनली ओके सो फिफ्टी बाई टी टू इक्वल्स टू ई टू दावर म्यू इज हाउ मच टू फाइव बट वॉट इज थीटा इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी तो मेरे भाई यहां से देखो ध्यान से देखो अगर ये ऐसा होता तो थीटा होता आपका पाई बाई टू यानी कि नाइनटी डिग्री बट अब ये थर्टी डिग्री कम हो गया है ना अब ये थर्टी डिग्री कम हो गया है अगर ये ऐसा होता तो 90 डिग्री होता बट अब ये थर्टी डिग्री कम हो गया है ना सॉरी थर्टी हाँ, डिग्री अब ये कम हो गया है हाँ कि ना तो मेरे भाई अब ये कितना होगा नहीं 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 थर्टी डिग्री बढ़ गया सॉरी 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 अब ये थर्टी डिग्री बढ़ गया है तो अब ये एंगल कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री होगा ध्यान से देखो यहां पर ध्यान से देखो इसके लिए थीटा कितना होगा नाइन्टी डिग्री ठीक है इसके लिए थीटा कितना होगा 180 डिग्री राइट right? अब ना तो ये ऐसा है ये 90 डिग्री ये 180 डिग्री अब ना तो ये ऐसा है ना तो ऐसा है ये ऐसा है है कि नहीं तो मेरे भाई इट विल बी बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री सो हाउ मच विल इट बी 90 डिग्री प्लस दिस एंगल राइट तो ये कितना है थर्टी डिग्री है तो नाइनटी प्लस थर्टी कितना हो गया वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय एटी राइट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन सो बेटा फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी टू सो टेल मी वॉट इज टी टू मी वॉट इज टी टू मी वॉट इज टी टू आर यू टिंग ट्वेंटी वेरी गुड गौरव बहुत बढ़िया गौरव ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स टू के जी ये वाला लॉजिक तो सबको क्लियर हो गया होगा ना 90 डिग्री 180 डिग्री उन दोनों के बीच में 120 डिग्री एक्चुअली मैं ही कंफ्यूज हो गया था तो ये आपको समझाने से ज्यादा मैंने अपने लिए बनाया है समझने के लिए ठीक है चलो झूठ क्यों बोलू मैं आई एम बींग ऑनेस्ट इट वॉज मोर फॉर मी नॉट फॉर यू वेरी गुड कार्तिकेयन वेरी गुड नीतिश वेरी गुड सयाली चलो ना बेटा इट कम्स टू दिस पुली सॉरी इट कम्स टू दिस पुली इस पुली के लिए ये हो जाएगा मेरे भाई T1 और ये हो जाएगा मेरे भाई T2 तो आपका T1 है 29.62 और T2 है M हा कि ना इस वाले पुली के लिए ये बड़ा टेंशन और ये छोटा टेंशन ठीक है तो मेरे भाई अब इसके लिए लगा दो टी वन बाई टू तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम इक्वल्स टू ई टू दावर म्यू थीटा म्यू इज पॉइंट टू फाइव दिस टाइम वॉट विल बी थीटा अब इस बार थीटा क्या रहेगा मेरे भाई इस बार थीटा रहेगा क्या ध्यान से देखो अभी थीटा कितना है जीरो है है ना बिकॉज एक पॉइंट बस पे टच हो रहा है कोई कांटेक्ट ही नहीं है अभी कितना है नाइनटी है है कि नहीं अब ऐसा है तो इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में कितना है मेरे भाई जीरो सॉरी नाइनटी माइनस थर्टी तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री होगा कि नहीं होगा सिक्सटी डिग्री होगा कि नहीं होगा कि ना कि ना कि ना तो मेरे भाई थीटा विल बी सिक्सटी डिग्री थीटा विल बी सिक्सटी डिग्री थीटा विल बी सिक्सटी डिग्री यस तो होगा सिक्सटी पाई बाय तो यहां से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एम सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम 29.62 divided by e to the power 0.25 into pi by 3 so it is 22.79 kg so the minimum weight to hold this 50 kg block is 22.79 kg. Very good, Nitish. Very good, Apesh. Very good, Hemant. Very good, Sadhana. Very good, Gaurav. Very good. Very good, Sayali. Very good. Very good. Excellent people. Excellent. M is 22.79 kg. Now you must be wondering, sir. In this case, we were applying more than 100 newton. But in this case, in order to hold this, we need to apply less than 50. बेटा अंडरस्टैंड हियर यू आर नॉट होल्डिंग इट यहां आप होल्ड नहीं कर रहे थे इसको यहां आपको गिरने से बचाना नहीं था यहां आपको इसको उठाना था हियर द ऑब्जेक्टिव वॉज डिफरेंट हियर वी आर नॉट होल्डिंग इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन हियर वी आर पुलिंग इट अपवर्ड सो वी नीडेड टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स ओके बट हियर वी डोंट नीड टू पुल दिस अपवर्ड हियर वी ओनली नीड टू कीप इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन सो इन दिस केस फ्रिक्शन विल वर्क फॉर एस

और यहां फ्रिक्शन अपना दुश्मन है बिकॉज इट इज अपोजिंग ठीक है ऊपर उठाना है तो फ्रिक्शन दुश्मन गिरने से रोकना है तो फ्रिक्शन अपना दोस्त इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर ऊपर उठाना है तो फ्रिक्शन अपना दुश्मन हो जाएगा और गिरने से रोकना है तो फ्रिक्शन अपना दोस्त हो जाएगा वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया तो मेरे भाई ये वाला सवाल भी सक्सेसफुली हमने बना लिया ना लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन अब ये वाला भी आराम से बना लोगे डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेट ज द मोशन ऑफ अ ब्लॉक विच रेस्ट ऑन अटल प्लेन द ब्लॉक वे इज थर्टी न्यूटन एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक वैल्यू ऑफ इट रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ऑफ ब्लॉक ओके मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ठीक है तो मतलब कि अगर उससे कम हो गया उससे कम हो गया तो ब्लॉक किधर जाएगा मेरे भाई ब्लॉक किधर जाएगा ब्लॉक किधर जाएगा ओके अच्छा सॉरी सॉरी ब्लॉक को मूव कराना है तो ब्लॉक तो राइट right साइड ही मूव कराएगा ना तो मेरे भाई आपको इसको मूव कराना है ठीक है यू नीड टू मूव दिस ब्लॉक सो इन टू मूव दिस ब्लॉक यू नीड टू रोटेट दिस पुली इन विच डायरेक्शन अगर इसको ब्लॉक को मूव कराना है तो पुली को ऐसा रोटेट करना पड़ेगा ना यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ठीक है मोशन को कॉस करना है तो मेरे भाई अपने को कुछ वेट तो रखना पड़ेगा ना ताकि ये वेट नीचे जाए फिर ये राइट साइड जाए तो बेटा इसको किधर घुमाना पड़ेगा वी नीड टू रोटेट इट क्लॉकवाइज वी नीड टू रोटेट इट क्लॉकवाइज ओके इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा यस सो नाउ बेटा इन ऑर्डर टू रोटेट इट क्लॉकवाइज व्हिच वन विल बी टी1 एंड व्हिच वन विल बी टी2 बेटा मी बेटा विच वन विल बी टी वन बेटा ये टी वन की नहीं है एक्सटर्नली पावर्ड नहीं है ये तो बेल्ट की वजह से घूम रहा है तो बेटा बेल्ट की वजह से घूम रहा है मतलब कि जिस तरफ घूम रहा है उसी तरफ टेंशन ज्यादा होना चाहिए यस yes! जिस तरफ घूम रहा है उसी तरफ टेंशन ज्यादा होना चाहिए सो दिस वन मस्ट बी टी वन

so what is the weight of the block the block weighs 30 newton okay this will be the normal force yes it will be the normal force now beta this block is trying to move in which direction the block is trying to move right side the block is trying to move right side means friction force will be towards left side so what will be the coefficient of friction for all surfaces and pulley sorry for all surfaces it is 0 0.2 for pulley friction is 0 0.3 so, this will be 0.2n. Okay. So, from here n will be equals to 30. Hakina? And T2 will be equals to 0.2n means 0.2 multiplied by 30. So T2 will be equals to how much? 6 Newton only. Only 6 Newton. Only 6 Newton Revama. So, if this is only 6 Newton, then can you apply the relation between these two to find out the value of T2 dW? Yes. T1 by T2 equals to e to the power mu theta. Now, my T1 is a W and my T2 is a 6 equals to e to the power.

ये गड़बड़ कर दी है बेटा 360 डिग्री को मैंने पाई ले लिया है यस 360 को मैंने पाई ले लिया है दिस विल बी टू पाई प्लस पाई इट विल बी थ्री पाई शिट सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी कोई इस आंसर्स को ठीक करके मेरे को बताओ कोई इन आंसर्स को ठीक करके मेरे को बताओ कोई इन आंसर्स को ठीक करके मेरे को बताओ इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया हाओ 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 अच्छा हुआ यहां ठीक कर दिया नहीं तो लोग कमेंट्स में बहुत गालियां देते छोड़ते नहीं है बच्चे अच्छा सॉरी आप लोगों ने इसको वैसे ही बनाया है मैंने एंगल गलत लिखे हैं बट आप लोगों ने आंसर सही निकाला है सॉरी 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 ये मेरी गड़बड़ थी ये मेरी गड़बड़ थी ये मेरी गड़बड़ थी मैंने ठीक कर दी वही मैं सोचूं कि यार 90 डिग्री मतलब पाई बाय टू होता है मैंने वहां पे गलती से एक्चुअली यू नो सम इट हैपंस रे बाबा प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ करना ओम साई राम कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है लेके प्रभु का नाम 9.6 आर यू गेटिंग यस आंसर जो है किसी भले मनुष्य ने सही एंगल्स रख के निकाले थे थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच यू सेव्ड यू सेव्ड मी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो मेरे भाई एक्चुअली मैंने गड़बड़ क्या कर दी थी मैंने 360 डिग्री को पाई रेडियन लिख लिया था और इसको पाई बाई टू लिख लिया था ओके सो so, मेरा थ्री पाई वाई टू आ रहा था एक्चुअल में थ्री पाई आएगा थ्री सिक्सटी डिग्री मतलब टू पाई होता है ना वन एटी मतलब पाई होता है तो टू पाई प्लस पाई थ्री पाई ठीक है सो so, ये एंगल्स थ्री पाई बाई टू नहीं थ्री पाई थे लेकिन आप लोगों ने इसको थ्री पाई लेके निकाला था सो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइस सो बेटा इट इज नाइन पॉइंट सिक्स न्यूटन आर यू गेटिंग न्यूटन नमस्ते शिवेंद्र सयाली इज गेटिंग 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 हेमंत इज गौरव अपेश कार्तिकेयन साधना एवरी वन इज गेटिंग नाइन पॉइंट सिक्स न्यूटन सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ बेल्ट फ्रिक्शन राइट बेल्ट फ्रिक्शन के सारे प्रॉब्लम अब आप सब लोग सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से यस वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड तो अब नेक्स्ट क्या तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं चेक कर लेता हूं टूमोरोवरीथिंग बट आई फॉर ओके टुमोरो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ओके तो ये तो था बेल्ट फ्रिक्शन ठीक है अब कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं फ्रिक्शन का टूमोरो क्लास कल की क्लास में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक्स और मेरे भाई ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ये आपको मशीन डिजाइन में भी काम आएगा ओके वट एवर कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी टुमोरो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन मशीन डिजाइन ऑल्सो सो बेटा टुमोरोज क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज वेल एज मशीन डिजाइन कल की क्लास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी थैंक यू सो मच शिवेंद्र थैंक यू सो मच ओके तो कल की क्लास याद रखना बेटा मैं अगेन एक बार आपको शेड्यूल बता देता हूं लेट मी रिमाइंड यू द शेड्यूल ऑफ आर के टू के बैच के टू के का मतलब क्या है बेटा के टू के का मतलब है के टू के में द फर्स्ट के इज कलम एंड द सेकेंड के इज कलाम तो कलम से लेके कलाम बनने तक का ये सफर हम लोगों को साथ में तय करना है कलाम मींस इट इज डेडिकेटेड टू आर फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम सर ओके सो बेटा वी कांट बी एपीजे अब्दुल कलाम सर वी कैन नेवर बिकम एपीजे अब्दुल कलाम सर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल एवर बोर्न ऑन दिस अर्थ बट बेटा वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू बिकम पॉइंट वन परसेंट ऑफ हिम राइट

so every day from monday to saturday and some classes can also be on sundays if someone wants to take a class on sunday they will arrange a class on sunday i usually take breaks on sunday so beta if there is no class on sunday then monday to saturday every day there will be a class you have to attend these classes every day you have to attend these classes every day Aapko har hardin इन क्लासेस को अटेंड करना है लाइव अटेंड करना है तभी मजा आएगा बेटा देखो लाइव आओगे डेली लाइव अटेंड करोगे तभी आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा और हम लोगों को पढ़ाने में भी मजा आएगा ठीक है अगर लाइव अटेंड नहीं करोगे इफ यू डोंट अटेंड दीज क्लासेज लाइव वॉट इज गोइंग टू हैपन इज इफ वी सी दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द क्लासेज आर वेरी लेस वी विल गेट डीमोटिवेटेड

लाइक्स करो कमेंट्स करो शेयर करो इन क्लासेस को जिंदा रखो ये क्लासेस आपके लिए हैं ये क्लासेस आपसे हैं ठीक है तो सिर्फ हमारे शेयर करने से या हमारे बोलने से नहीं चलेगा आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यू हैव टू टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक इक्वल ओनरशिप इन दीज क्लासेस ओके एंड बेटा इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दीज क्लासेस पीडीएफ ऑफ दोस इस क्लास की पी डी एफ बाकी क्लासेस की पीडीएफ बाकी क्लासेस के लिंक मेरी सारी क्लासेस ऑल माई फ्री लेक्चर यू विल फाइंड इन दिस वन लिंक ये बस एक लिंक खोल लो मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगे और कैसे खोलोगे मैं सौ बार बता चुका हूं जस्ट गो टू अन सॉरी एनी वेब ब्राउजर किसी भी वेब ब्राउजर में जाओ एंड टाइप दिस टाइनी वर एल डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन एंटर यू विल ओपन दिस ऑसम पेज वेयर यू कैन सी द लिंक्स ऑफ ऑल माई क्लासेज वेल ऑर्गेनाइज पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए ओके एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस टेलीग्राम पेज ये टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना बिकॉज आई विल अपडेट My in this only. मैं अपनी आने वाली क्लासेस को यही अपडेट करता हूँ लिंक भेजता हूँ नोटिफिकेशन भेजता हूँ तो आपको पता चलता रहेगा मैं कब कौन सी क्लासेस लेने वाला ओके okay? अब ये तो रहे हमारे अलावाडमी इनफैक्ट नॉट वन स्ट्रक्चर कोर्स मेनी स्ट्रक्चर्ड बैचेस ना यू मस्ट भी थिंकिंग सर जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो यहां क्यों तो बेटा देखो रिकॉर्डेड वीडियो खरीदने की बजाय यूट्यूब पे फ्री में लाइव आके पढ़ लो अगर आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने इफ यू ओनली वॉन्ट लेक्चर्स देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे पढ़ो दीज आर आर फ्री इनिशिएटिव बट देर आर सम थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब वॉट डेली असाइनमेंट वीकली क्विजेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक डाउट क्लियरिंग सेशन पर्सनल गाइडेंस नोट्स ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता है बट बेटा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल होता है अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ऑनलाइन पढ़ के

सो बेटा अंडरस्टैंड ये जो फीचर्स है ना फॉर एक्साम्पल हियर आई हैव एन एमसी क्यू क्वेश्चन सो इफ आई हैव एन एमसी क्यू क्वेश्चन आई विल क्रिएट अ पोल वन मिनट पोल टू मिनट पोल थ्री मिनट पोल विद इन दैट पीरियड यू विल आंसर ए बी सी डी आफ्टर वन मिनट टू मिनट और थ्री मिनट वी विल हैव द स्कोर कार्ड वेयर यू विल गेट योर रैंक

so you can send the image of that question directly on an academy app and here there are dedicated doubt solving classes so you don't even have to uh, answer, solve your doubts in the class you can take different classes of doubt solving aap doubt solving ki dedicated class mein jitne chahe doubts poocho koi dikkat nahi और मेरे भाई सबसे best चीज जो मुझे लगती है multiple batches multiple branches multiple exams आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा अलग अलग बैचेस हैं और अलग अलग बैचेस में अलग अलग एजुकेटर्स हैं जिससे मजा आए उसके साथ पढ़ो सबके साथ पढ़ने में मजा आ रहा है सबके साथ पढ़ो कोई लिमिटेशन नहीं है मैकेनिकल no okay? के लिए पढ़ो एक्सी के लिए पढ़ो गेट के लिए पढ़ो ई के लिए पढ़ो पीएसयू के लिए पढ़ो इट इज ऑल योर चॉइस तो ये बेटा आज तक कभी इंडिया में हुआ नहीं है ऐसा ठीक है आज तक कभी इंडिया में एजुकेशन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चा खुद सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे इस टीचर के साथ पढ़ना है मुझे इस बैच में पढ़ना है सो रेवोल्यूशन वी हैव क्रिएटेड ओके तो बेटा इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस रेवल्यूशन टेक वन ईयर वन एंड हाफ इिप्शन यू कैन यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट टेन ऑफ ये कोड लगा लो दस परसेंट ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में यू विल गेट माय पर्सनल गाइडेंस मेरी गाइडेंस में पढ़ सकोगे अगर आप ये कोड लगा रहे हो तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरे साथ हो ठीक है एंड बेटा इफ यू आर थिंकिंग इट इज वेरी कॉस्टली यू कैन पे दिस इन ईएमआई आप ईएमआई में भर सकते हो बेटा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और बेटा अगर आप पर डे कॉस्ट देखोगे आपको पता चलेगा ये कितना अफोर्डेबल है ये मैं क्यों बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है उसका एक रीजन है क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो इसीलिए आप सबको बहुत ज्यादा फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है सो बेटा दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग यू कैन ऑल्सो टेक अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल गाइड एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करेगा आपका शेड्यूल बना के देगा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो आप वन ईयर या टू ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है या अनअकैडमी ऐप पे कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन अनअकैडमी आल्सो आप मुझे अन अकेडमी में भी, भी मैसेज कर सकते हो आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हो आपको पता है मुझे कहां ढूंढना है कैसे ढूंढना है ठीक है ना बेटा जाने से पहले लाइक जरूर दबाना शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू दिस चैनल यू आर गोइंग टू गेट हंड्रेड परसेंट ऑसम कंटेंट ऑन दिस चैनल ओके सो आई विल कीप कमिंग बिफोर यू लाइक दिस क्लासेस टिल देन बेटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गुड नाइट